तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप लोगों को किसी ने नहीं बताई हो। डेडलिफ्ट को लोग इंजरी प्रोन एक्सरसाइज बोलते हैं, बट नहीं। डेडलिफ्ट इंजरी प्रोन तब है जब आप उसको करेक्ट पोस्चर के साथ परफॉर्म ना करो। अगर आपका पोस्चर अप्रोप्रिएट है, आपका पोस्चर करेक्ट है, अगर आप एकदम सही तरीके से डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो एंड वो भी रो परफॉर्म कर रहे हो विदाउट एनी एसेसरी, तो भी आपको इंजरी नहीं होगी। बट अगर आपका पोस्चर गलत है एंड स्टिल आप इक्विप्ड हो चुके हो बिल्कुल ही, आपने नी बैंड, आपने बेल्ट, आपने पता नहीं क्या क्या चीज यूज कर रहे हो, स्टिल आपको इंजरी हो सकती है। बट अगर आपका पोस्चर करेक्ट है एंड आप किसी इक्विपमेंट को यूज नहीं कर रहे हो, ना ही बेल्ट को, ना ही नी स्ट्रैप को, ना ही रिस्ट बैंड को, किसी भी चीज को यूज नहीं कर रहे हो, तो भी आपको इंजरी नहीं होगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप डेडलिफ्ट को इंजरी फ्री होकर वेट, हैवी वेट को भी लिफ्ट कर पाओगे। तो सबसे पहली गलती तो क्या करते हैं क्लाइंट्स, जो डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो सारी फोर्स स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं। जैसे कि अगर डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो ये आता है, हमें क्या करना है, हमारे पास एक साउंड आती है जब बारबल को हम लिफ्ट करते हैं, ये जो साउंड आती है, साउंड किस चीज की है, जो बारबेल है प्लेट के साथ टकराती है। स्टार्टिंग में अगर मैं लाइट वेट लिफ्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50 kg लिफ्ट कर रहा हूं, टोटल जो वेट है बार के साथ प्लेट्स का जो वेट है टोटल 50 kg वेट है, मैंने फोर्स किसके ऊपर लगाई, बारबेल के ऊपर लगाई, बारबेल का वेट कितना है 20 kg, मैंने 20 kg लिफ्ट किया, बारबेल जैसे ही प्लेट्स के साथ टच हुई, जैसे ये टच हुई, टच हुई तो एडिशनली 30 kg का फोर्स और आया, तो बॉडी क्या करती है इसमें जर्क ले लेती है। अभी तो लाइट वेट है तो आपने 20 kg की बार बार लिफ्ट करी, उसके बाद 30 kg एडिशनली आया, तो बॉडी कई बार क्या करती है, जैसी बार बार लिफ्ट हुई उसके बाद ये बैक में एकदम से जर्क आता है, एंड इस जर्क की वजह से मेरे को स्लिप डिस्क हो सकता है। तो डेडलिफ्ट अगर परफॉर्म करनी तो सबसे पहले बारबल को प्लेट के साथ टच कराना है। कैसे टच कराओगे, ये रहेगा कि आपने पहले बारबल को प्लेट्स के साथ टच किया, उसके बाद फोर्स लगानी है। तो पहले जब आप लिफ्ट करोगे तो पहले जो फोर्स लगी वो कहां पे लगी, बारबल के ऊपर, बारबल आपने जैसे लिफ्ट की 20 kg, उसके बाद एडिशनली जितना भी वेट है वो सारा एकदम से लोड आएगा बैक के ऊपर एंड आपकी बैक आगे की तरफ झुकती है, ये जर्क आता है बैक में, बैक होनी चाहिए स्ट्रेट और ये होता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे स्लिप डिस्क हो सकता है। तो हमेशा एक बात याद रखो, चाहे आप 10 kg लिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप 100 kg लिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप 200 kg लिफ्ट कर रहे हो, सबसे पहले डेडलिफ्ट में क्या करना है, आपको बारबल को प्लेट के साथ टच करना है, उसके बाद आपको फोर्स क्रिएट करनी है, उसके बाद आपको वेट को लिफ्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा, आपने बार को तो लिफ्ट कर लिया बट बार के और प्लेट के बीच में गैप है एंड वो गैप जैसे ही कम होगा, जैसे ही मेरी बार प्लेट के साथ टच होगी, तो मैंने स्टार्टिंग में फोर्स लगाई 20 kg के अकॉर्डिंग, उसके बाद वो एकदम से वेट बढ़ गया कितना, 100 kg, 200 kg, अब क्या होगा, एकदम से लोड आया मेरी बैक के ऊपर एंड लोड आया तो इंजरी हो सकती है। तो ये थी पहली टिप कि जब भी आप डेडलिफ्ट को परफॉर्म करो हमेशा बारबेल को प्लेट्स के साथ टच करो, उसके बाद वेट को लिफ्ट करो, चाहे आपका वार्म अप सेट हो, चाहे आपका प्रिपरेटरी सेट हो, चाहे आपका मेन सेट हो, कोई भी सेट हो, आपको हर बार सेम टेक्निक को अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ऐसी वर्कआउट टिप्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कोच हिमांशु।